चाहो जी करो। माननीय विधायक महोदय, विभिन्न विषयों से विभूषित आचार्य जी और हमारे सम्मुख बैठे हुए प्रतिभागी भाइयों एवं बहनों, हम सभी आज यहाँ बाल महोत्सव में बाल विवाद में बाल विवाद प्रतियोगिता के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हमें इस पे बोलने के लिए टॉपिक दिया गया है कि औद्योगिकरण पर्यावरण को हानि क्षति पहुंचा रहा है कि नहीं, इसके विषय में बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। औद्योगिकरण जहाँ तक जिससे उससे बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हम हमारे ऊपर उसके पड़ रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण विभिन्न कल कारखानों का को स्थापित करना और विकसित करना, यही औद्योगिकरण है। और पर्यावरण, पर्यावरण जो है हमारे तरफ चारों तरफ जो वायु आदि उपस्थित है, ये इनका समूह ही पर्यावरण कहलाता है। और प्रदूषण, अब मैं इस पे प्रदूषित कर रहा है कि नहीं, इस पे औद्योगिकरण जो है हमारे देश हमारे ऊपर इसके इफेक्ट हैं कि नहीं है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी भैया ने बताया कि जो है जो देश आदि जो अन्य देश है उसमें जो है जापान, जैसे उन्होंने बताया कि जापान में जो है औद्योगिकरण हुआ और वहाँ पे जो है ये विकसित हो गया, बहुत ज्यादा आगे निकल गया। तो आप देखेंगे कि यूरोप भी तो है, यूरोप औद्योगिकी में सबसे आगे है कि नहीं यूरोपीय देश। तो लेकिन जो है वहाँ पे क्या हुआ, इतना ज्यादा औद्योगिकरण हो गया कि वहाँ पे उसके प्रदूषण से आम्लीय वर्षा होती है, जिससे जो है हमारे त्वचा को, आज हमारे शरीर को, हमारे मनुष्य के ऊपर और अन्य सभी जीवों के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इससे हानि है तो उससे लाभ, हानि और लाभ किसी चीज से दोनों होते हैं। भी कई भैया ने बताया कि सिक्के के पहलू होते हैं दो, और जो है अगर फूल है तो उसमें कांटे होंगे ही। तो प्रदूषण आप देख रहे हैं सभी कंपनियों से, जैसे कि अगर बहुत सारी कंपनियां स्थापित हो रही है उसमें, तो जब उससे कुछ सामान बनेंगे तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे वो हमारे देश, हमारे उसको फेंकने के लिए कोई स्थान तो चाहिए ही, तो लेकिन जो है उसको फेंकने